इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं और आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। हम लेकर आए हैं आपके लिए सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरें, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कोरोना की समीक्षा बैठक में पीएम मोदी ने क्या निर्देश दिए, केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों लगाई फटकार, महाराष्ट्र में फ्री वैक्सीन पर उद्धव सरकार में मंथन। तो सबसे पहले बात असम में आए भूकंप की। असम में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है। सुबह 7:51 पर आए इस भूकंप का केंद्र असम का सोनितपुर बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि असम के अलावा आसपास के दूसरे राज्यों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो असम के सोनितपुर में भूकंप का ये केंद्र था और जो रिक्टर पैमाने पर, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मेजर की गई वो 6.4 बताई जा रही है, जो कि काफी तीव्र है। सुबह 7:51 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो असम आज भूकंप से कांप उठा और केंद्र इसका सोनितपुर बताया जा रहा है। 6.4 तीव्रता मैग्नीट्यूड का ये भूकंप नापा गया और सुबह सुबह न सिर्फ असम बल्कि उसके आसपास के राज्यों में 7:50 के करीब ये झटके महसूस किए गए। तस्वीरों में भी आप देखिए, जब लोग अपने घरों में बैठे थे और लाइटें, झूमर, पंखे हिलते हुए देख सब अचानक चौंक उठे। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि असम में एक बड़ा भूकंप आया। उन्होंने सभी से अलर्ट रहने के लिए अपील की है और सबके कुशल रहने की दुआ की है। सभी जिलों से अपडेट्स ले रहे हैं सोनोवाल। तो असम में भूकंप के तेज झटके आज महसूस किए गए, 6.4 तीव्रता की ये भूकंप थे और न सिर्फ असम, आसपास के राज्यों में भी इसकी तीव्रता, ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। मुंबई से सटे मुंब्रा में हुआ एक दर्दनाक हादसा। यहाँ के प्राइम क्रिटिकेयर अस्पताल में लगी भीषण आग, आग में झुलसकर 4 मरीजों की मौत हो गई। हादसा देर रात हुआ, तकरीबन 4:45 के करीब अस्पताल में आग फैलनी शुरू हुई, जिसके बाद 20 मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। इनमें से 6 मरीज आईसीयू के थे। आईसीयू के 4 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए मुआवजा और घायलों के लिए 1 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। शुरुआती जांच में ये सामने आया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। मुंब्रा का अस्पताल नॉन कोविड अस्पताल था। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या अपडेट है इस आगजनी को, क्या फिलहाल कंट्रोल में कर लिया गया है? देखिए, आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। जिन 4 लोगों की मौत हुई थी उनके अलावा कुल 17 मरीज यहां पर थे। 4 के अलावा जो अन्य मरीज थे उन्हें एक दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर लिया गया। इनमें से कुछ एक मरीज की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। आग क्यों लगी है इसकी जाँच के लिए 3 सदस्यों की एक टीम का गठन कर दिया गया है। लेकिन इस अस्पताल में आग लगना ये दोबारा दिखाता है कि एक के बाद एक पिछले कुछ महीनों में कई घटनाएं हुई हैं। हर बार फायर ऑडिट का आदेश दिया जाता है लेकिन जमीनी स्तर पर इस तरह की घटनाएं होना रुक नहीं रही है। जी बिल्कुल, और जिस बात का जिक्र आपने किया दिनेश, खुद 3 दिन पहले हमने खबर दिखाई थी मुंबई से सटे इलाके में, जहां पर अस्पताल में, वो भी कोविड केयर अस्पताल में आग लगी और 4 मरीजों की जान गई। उससे पहले नासिक का हादसा ऑक्सीजन लीकेज की वजह से। सिर्फ ऑडिट के आदेश कब तक आते रहेंगे, एक्शन कब होगा? जी बिल्कुल, देखिए समस्या इसी बात की है कि हर घटना के बाद आदेश दिया जाता है लेकिन उस आदेश का अमल कहीं पर भी होता हुआ नजर नहीं आता है। इस अस्पताल में भी क्या फायर ऑडिट किया गया था, नहीं किया गया था, इसको लेके कोई जानकारी जो है प्रशासन की तरफ से नहीं दी जा रही है। और जब पहली बार घटना हुई थी 4 महीने पहले, उसी दौरान अगर सारे तमाम काम को कर लिया गया रहता तो ये इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। एक और अहम चीज़, जिस जगह यह आग लगी उस वार्ड में क्या स्प्रिंकलर्स थे या नहीं थे, क्योंकि जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंची उस दौरान इस तरह के जो है फायर इक्विपमेंट्स अगर वहां पर होते तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता था। लेकिन इन जो बेसिक चीजें होती है किसी भी फायर सेफ्टी नॉर्म्स में, कई सारे अस्पतालों में उसका पालन नहीं हो रहा। अगर हुआ रहता थी बिल्कुल, और 4 लोग जो है वो जान से हाथ गंवा बैठे इस हादसे की वजह से, जो अस्पताल में ठीक होने के लिए आए थे। ऐसे में महाराष्ट्र के हर अस्पताल में अब फायर ऑडिट हो जाना बहुत ज्यादा जरूरी नजर आता है, क्योंकि रोज के ऐसे हादसे होने लगे। शुक्रिया दिनेश जानकारी के लिए। इधर महाराष्ट्र में मेडिकल हादसे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। पहले नासिक में ऑक्सीजन की लापरवाही की वजह से मरीजों की जान गई, फिर विरार के अस्पताल में आग लगने से 14 मरीजों की जान गई और अब मुंब्रा के अस्पताल में लगी आग से बताया जा रहा है 4 मरीजों की मौत हो गई है।
बाद कोरोना संकट की पूरे देश में सबसे बुरे हालात महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र में भी एक ही दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मौत का रिकॉर्ड बन गया है। बीते 24 घंटे में 895 मरीजों की मौत हुई। इस आंकड़े में अकेले महाराष्ट्र में मरने वालों की कुल संख्या 66,000 के पार कर गई है। ये कोरोना के चलते मृत्यु दर 1.5% यानी 1.5% हो चुका है। मंगलवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 66,358 नए मामले सामने आए। फिलहाल पूरे राज्य में 6,72,434 एक्टिव केसेस बने हुए हैं। महाराष्ट्र में सोमवार को 48,000 से ज्यादा संक्रमित सामने आए थे। इससे लगा कि लॉकडाउन का असर दिख रहा है और मरीजों की संख्या कम हो रही है, लेकिन अगले ही दिन ये भ्रम टूट गया। मंगलवार को आए आंकड़ों ने एक बार फिर सबको चौंका दिया। इस बीच नासिक में मंगलवार को सबसे ज्यादा 12,436 लोग पॉजिटिव पाए गए। पुणे में अभी 9,000 के आसपास मरीज मिले हैं। हालांकि गनीमत इस बात की है कि मुंबई में संक्रमितों की संख्या पहले से कम हुई है। इस बीच उद्धव ठाकरे कैबिनेट की आज एक अहम मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा होगी। तमाम डराने वाले आंकड़ों के बीच पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आज उद्धव सरकार पर आंकड़े छिपाने का आरोप भी लगाया। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता दिनेश जुड़ चुके हैं। दिनेश, कल भी आप बता रहे थे कि कल क्योंकि टेस्टिंग कम हुई थी तो आशंका थी कि आंकड़े कम आए हैं। महज 24 घंटे में मंगलवार को आए आंकड़ों ने यह भ्रम तोड़ दिया। आज कैबिनेट की मीटिंग भी होने वाली है, क्या कुछ अहम रहेगा इस दौरान? देखिए, आज की कैबिनेट की बैठक में 18 साल से 44 साल की उम्र के जो लोग हैं उन्हें जो वैक्सीन दी जाने वाली, क्या उस वैक्सीन को मुफ्त किया जाए या नहीं, इस पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस एनसीपी ने मांग की है कि कुछ अन्य राज्यों ने जिस तरह से मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान किया, ठीक उसी तरह से महाराष्ट्र सरकार भी ऐलान करे। अंतिम फैसला उद्धव ठाकरे को लेना है, लेकिन यह फैसला लेना सरकार के लिए उतना आसान नहीं होगा क्योंकि राज्य पर जो वित्तीय घाटा है वो बहुत ज़्यादा है। फिलहाल महाराष्ट्र में ये जो जनसंख्या है 18 से 44 साल तक की, वो करीब 5,71,00,000 की आबादी इसके अंदर आती है और इनके लिए करीब 12 करोड़ डोजेस की जरूरत होगी और जिसका खर्च करीब 6,000 करोड़ के आसपास होगा। तो क्या इस खर्च का वहन कैसे किया जाए, क्या केंद्र से मदद मांगेगी अगर मुफ्त देने का ऐलान करते, तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा है। देखने ये कि उद्धव ठाकरे फैसला क्या लेते हैं, लेकिन जिस तरह से तीन दलों की सरकार में दो दल कह रहे हैं कि मुफ्त वैक्सीन मिलना चाहिए, आज की बैठक में सरकार से मांग की ही है। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला से भी उद्धव ठाकरे ने बात की थी। देखना होगा क्या कुछ अहम ऐलान आज होता है। महाराष्ट्र में 1 मई से शुरू होने वाले 18+ के एज ग्रुप वालों के लिए वैक्सीनेशन फ्री में हो पाता है या नहीं, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। अपडेट्स लेते रहेंगे दिनेश, शुक्रिया जानकारी के लिए। महाराष्ट्र में कोरोना से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वायरस के खतरे के बीच महाराष्ट्र से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें। पहली तस्वीर महाराष्ट्र के अहमदनगर के जिला अस्पताल की है, जहां मरीजों का इलाज चल रहा है तो उनके पास ही कई शव रखे हुए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के बीड की है। इस अस्पताल में आप देखिए एक एम्बुलेंस में कैसे दर्जनों शवों को ठूंस कर रखा गया है। तो बात पहले अहमदनगर के इन तस्वीरों की, जिला अस्पताल की तस्वीर है। कोविड वार्ड में एक बेड पर दो लोग लेटे हैं, उसी बेड पर एक महिला बैठी हुई है, लेकिन कुछ देर बाद बेड पर लेटे दूसरे शख्स पर चादर ढक दी जाती है क्योंकि उसकी कोरोना से इलाज के दौरान मौत हो गई। और अब इस तस्वीर को जरा देखिए, जहां वार्ड के अंदर कई मरीज भर्ती हैं और उनके पास स्ट्रेचर भी रखा है, उस पर कई शव मौजूद हैं। तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो सकता है कि हालात कितने बदतर हैं। मृतकों के पास ही जीवित लोग हैं और सबसे बड़ी बात तो उन मरीजों की मनोदशा क्या होगी जिनकी नजरों के सामने इतनी सारी मौत हुए, इतने सारे शव रखे गए। अहमदनगर के जिला अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा है कि क्या करें समझ नहीं आ रहा, इलाज तो करना ही पड़ेगा। जबकि बीजेपी नेता राम कदम ने इसे महाराष्ट्र सरकार का फेलियर बताया। कैजुअल्टी में जो 6 से 8 बेड्स है उस पर ऑक्सीजन की सुविधा है, लेकिन हर तरफ से रात को सुबह तक 25-25, 30-30 पेशेंट्स कैजुअल्टी में आके उनको कहीं जाने के लिए चॉइस नहीं और हमको एडमिट करने के लिए कोई बेड नहीं है, तो काफ़ी जन वो कैजुअल्टी में बैठे रहते हैं। एक ही बेड पे एक दो जन हम लोग ऑक्सीजन की कोशिश करते हैं। इस बीच दिल्ली में भी कोरोना का कहर जारी है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। मंगलवार की रिकॉर्ड संख्या संक्रमितों की सामने आई। मौत का आंकड़ा 381 रहा। ये एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है, वो भी औपचारिक ऑफिशियल डेटा। इससे पहले सोमवार को 380 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 15,000 से ज्यादा मौत हो चुकी है। लगातार छठवें दिन दिल्ली में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और इस बीच मंगलवार को एक बार फिर दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 24,000 के पार चली गई। बीते 24 घंटे में 24,149 लोग पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल दिल्ली में जो एक्टिव मामले हैं वो 98,264 हैं।
दिल्ली में लोग परेशान हो रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत अस्पतालों में बेड्स को लेकर आ रही है। अस्पतालों में बेड्स खाली नहीं है, ऑक्सीजन की भी जबरदस्त कमी है, लिहाजा अब लोग हताश होने लगे हैं, इलाज की कमी से जूझने को मजबूर हैं। My father is in a very critical condition. I'm getting no help. Numbers are given there, but nobody is responding. Numbers are not reachable. Please help me, please. My father is dying. I can't afford another loss. Yesterday I lost my younger brother. Please help me, please. हम लोग कल से नोडल ऑफिसर को फ़ोन कर रहे हैं, हम DSO को फ़ोन कर रहे हैं, कहीं से कोई रिस्पांस नहीं है। रात को हमने ITPP में फ़ोन किया तो उन्होंने हमारा रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अभी तक हमारे मरीज की हालत ख़राब हो रही थी, हम लोग अभी उसको अपनी कन्वेंस से किसी सोर्स से पता चला हमें कि वहाँ वॉकिंग ले रहे हैं। हम अपनी कन्वेंस से उनको दोनों को बिठा के PPE किट खरीद के पहन के लेके आए हैं, बट अभी यहाँ पे फ्रंट लाइन पे जो भी वर्कर हैं उनको कोई भी आइडिया नहीं है कि क्या इनका सिस्टम है। वो कह रहे हैं हमारे को अंदर से इन्फॉर्मेशन आएगी तब हम आपको आगे भेजेंगे। अभी धूप में हमारे पेशेंट दोनों पड़े हैं और अगर कुछ हो गया तो कोई DSO नहीं सुनता, कोई नोडल ऑफिसर नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा है हमारी। कल से हम लोगों ने 1000 फ़ोन कर दिए हैं बट कोई सुनने को तैयार नहीं है। लोगों पता चला था यहाँ पे आइसोलेशन वार्ड्स हैं, बेड्स हैं, 1000 बेड्स लगाए उन्होंने ऑक्सीजन वाले, बट यहाँ पे कोई भी सर्विस नहीं दे रहा है, कोई पता नहीं चल रहा है। नंबर्स पे कॉल करें तो सारे नंबर स्विच ऑफ हैं। पूरे दिल्ली में इतना बुरा हाल है कि बेड्स पड़े हैं बट दे आर नॉट गिविंग द बेड्स टू दी कोविड पेशेंट्स एंड दिस इज द वर्स्ट सिचुएशन। मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इस पर वर्क ऑन करे, जो बेड्स हैं एटलीस्ट पेशेंट्स को दें ताकि लोग ठीक हों, दे रिकवर हों एंड दे गो बैक टू देयर होम। लोगों की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली से संवाददाता संजय साह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, दिल्ली बंद है, लॉकडाउन के 8 दिन हो चुके हैं और ऐसे में लोगों की मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। एक दिन में 381 मौत, एक दिन में 24,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले। जी बिल्कुल ज्योति, कोरोना संक्रमण के मामले हर रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। अस्पताल के बाहर बेबस लोग इलाज के इंतजार में हैं, ऑक्सीजन सप्लायर के बाहर लोगों की लाइन लगी हुई है कि किसी भी तरीके से ऑक्सीजन का एक सिलेंडर मिल जाए कि वो अपने घर पे जो पेशेंट हैं उनको ऑक्सीजन, उनको सांस दे सके। लेकिन हालात प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे हैं, इसमें किसी भी तरह का सुधार नजर नहीं आ रहा है। आज लॉकडाउन का 8वां दिन गुजर चुका है, 9वें दिन में है और लोग उसी तरीके से बेबसी जो है लोगों की दिख रही है। अस्पतालों के बाहर लोग एम्बुलेंस में, अपनी गाड़ियों में, अपने जो करीबी है, रिश्तेदार है, जो बीमार है, जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, उन्हें लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में भाग रहे हैं, भटक रहे हैं। लेकिन हालात इतने ख़राब है कि अस्पतालों में बेड नहीं है और दवाई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। लोगों पर और व्यवस्थाओं पर नज़र बनाए रखिएगा, चूँकि आज अरविंद केजरीवाल को इस मामले में पूरी जानकारी हाईकोर्ट को भी सौंपनी है। बहुत बहुत शुक्रिया अब तक के इस अपडेट के लिए। तो कल दिल्ली हाईकोर्ट के फटकार मिलने के बाद आज सुबह 10 बजे अरविंद केजरीवाल सरकार हाईकोर्ट में ऑक्सीजन के स्टॉक पर हलफनामा दायर करेगी। कल सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन स्टॉक पर हलफनामा देने के लिए कहा था। दिल्ली में जारी ऑक्सीजन संकट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को काफी सख्त रुख अपनाया और केजरीवाल सरकार को ऑक्सीजन का कड़वा डोज दिया। हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन और दवाओं की कालाबाजारी पर नाराजगी भी जताई, दिल्ली सरकार के पूरे सिस्टम को फेलियर बताया। हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का भी आदेश दिया। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता गोनिका अरोड़ा जुड़ चुकी हैं। गोनिका, आज 10 बजे तक अरविंद केजरीवाल के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली सरकार की नाकामियां और फेलियर गिनाते हुए हाईकोर्ट ने जो कुछ जवाब मांगा है, क्या उसकी तैयारी हो चुकी है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से? गोनिका, मेरी आवाज आ रही है अब तक? हम कोशिश कर रहे हैं कि गोनिका से संपर्क साध सकें। गोनिका हमारे साथ जुड़ी हैं, जो लगातार अपडेट्स पहुंचा रहे हैं कि दिल्ली सरकार में जो अव्यवस्थाएं सामने आ रही हैं उसे लेकर किस तरह से हाईकोर्ट ने कड़वी फटकार लगाई है अरविंद केजरीवाल को और आज हलफनामा दायर करने को कहा है, जिसमें जवाब देना होगा कि अस्पतालों में बेड्स, ऑक्सीजन, दवाओं को लेकर सरकार की क्या तैयारी है। कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की किल्लत फिलहाल देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से रोजाना न जाने कितनी सांसें दम तोड़ रही हैं। ऑक्सीजन के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं तो कहीं मरीजों को दूसरे अस्पतालों में ट्रांसफर करने की नौबत आ गई है। सरकार ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, राज्यों से मदद मांगी जा रही है, उद्योगपतियों से गुहार लगाई जा रही है, सेना की भी मदद ली जा रही है।
भारत के ऑक्सीजन अभियान में विदेशी दोस्त भी सहायता कर रहे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए आज ऑक्सीजन एक्सप्रेस 6 टैंकर्स लेकर एमपी के भोपाल और जबलपुर भी पहुंच चुकी है। दिल्ली का ऑक्सीजन संकट दूर करने के लिए बैंकॉक से 18 ऑक्सीजन टैंकर्स इम्पोर्ट किए जा रहे हैं। केजरीवाल सरकार आयरलैंड से करीब 700 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मंगाने की बात कह रही है। भारत पहुंचने वाले हैं ये कॉन्सेंट्रेटर्स। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक अगले 7 दिनों में भारत में अलग अलग देशों से करीब 1600 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स इंपोर्ट किए जाएंगे। सरकार ने अगले 2-3 दिन में ऑक्सीजन उत्पादन 9250 मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा है। देश में कोरोना संक्रमण से बिगड़े हालातों पर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने देश में मौजूद मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का रिव्यू किया। मीटिंग में प्रधानमंत्री ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से अपग्रेड करने का आदेश दिया। सीनियर ऑफिसर्स के साथ मीटिंग के दौरान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई। इस दौरान पीएम ने अधिकारियों को राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने का आदेश दिया ताकि जल्द से जल्द ऑक्सीजन संयंत्र शुरू किए जा सके। देश में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए काम कर रहे एम्पावर्ड ग्रुप्स ने बैठक में प्रधानमंत्री को इस गैस की उपलब्धता और आपूर्ति बढ़ाने के लिए किए जा रहे कोशिशों की जानकारी दी। ऑक्सीजन टैंकर ले जाने के लिए चलाई जा रही ऑक्सीजन एक्सप्रेस, रेलवे सर्विस और भारतीय वायुसेना की ओर से संचालित की जा रही उड़ानों के बारे में भी बैठक में जानकारी दी गई। मीटिंग के दौरान अधिकारियों ने बताया कि लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन प्रतिदिन बढ़ा दिया गया है, 8922 टन हो चुका है। और अब आपको बताते हैं इस मीटिंग में क्या क्या हुआ और पीएम मोदी ने क्या निर्देश दिए। पीएम मोदी ने देश भर के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को रिव्यू किया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और अपग्रेड करने के आदेश दिए, देश भर में ऑक्सीजन और दवाओं की उपलब्धता पर चर्चा की। पीएम मोदी ने लिक्विड ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। अधिकारियों को राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद देखिए यूपी में पिछले 24 घंटे का कोरोना अपडेट। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।